राज्यरे लघुचाप प्रभावरे वर्षा बढ़ी गत 24 घंटा भितरे उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा होइतिबा बळे शनिवार संध्यारु अनेक स्थान रे वर्षा लागि रहिछे। आसंता 24 घंटा भितरे लघुचाप घनीभूत होई अवपातर रूप नै पारे। आसंता 14 रु 16 तारीख जाय एहा ओडिशा उपरे रहिबो। एहा सह उत्तर ओडिशा रे बैतरणी एवं सुवर्णरेखा नदी खोली पारे। शनिवार 23 जिल्ला को मौसमी छुइतिबा बळे आज 24 घंटा भितरे बाकी 7 जिल्ला को मौसमी छुइबो। अन्यपटे प्रबल वर्षा रे भुवनेश्वर कटक बेहाल होइछि। शनिवार संध्यारु ट्विन सिटी रे प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी लागि रहिथिला। दीर्घ समय पर्यंत वर्षा लागि रहिथिबा बळे तळिया अंचल गुडी करे पानी जमिछे, फळरे ड्रेनेज अव्यवस्था कु नै पुणि थरे प्रश्न उठिछे। लोकमाने रास्ता उपरकु आसी रास्ता सफा करुथिबा देखिबाकु मिलिछे। मौसुमी वायु सक्रिय होइथिबारु एबे राज्यरे वर्षा लागि रहिछि। किछि स्थानरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। इन अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़े रही प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, जो दृश्य आसुची आम गत काली ट्विन सिटीर दृश्य देखिथिलु जे पाखापाखी 3-4 घंटा एवं वर्षा लागि रहिथिला, किंतु वर्तमान रो अपडेट कौन आसी पहुंचुची? ये वर्षा केते दिन पर्यंत लागि रहिबो? कौन अपडेट आसुची पूरा? निश्चित भाव माधुरी, आप जो सूचना दौले किद तले जो देखा दुई दिन पूर्व दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रथम दक्षिण ओडिशा छुईला और यह धीरे धीरे 23 जिला को छुई चलता, कि आगामी 24 घंटा मध्य यह जो बाकी 7 जिला रही ओडिशा ताक छुई पार जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष पूर्वानुमान करपक्ष जो उपकूलवर्ती जिलागुड़िक रही विशेष भाव में बालेश्वर भद्रक खोर्धा जगत सिंहपुर आदि जो उपकूलवर्ती जिला उपकूलवर्ती जिला जो गुड़िक रही सेगुड़िक गत जो मौसुमी वायु प्रभाव में वर्षा होता सहित अगर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ पूर्व पाणीपाग विभाग पक्ष जो सूचना दि जाऊला जो वर्षा मान लघुचाप जनित वर्षा हम तार प्रभाव में जो बंगोपसगर में कौन मत्स्यजीवी को नजा को कहला सहित 40 रु 55 किलोमीटर पवन रेग रही पूर्व अनुमान करो गुड़िक स्थलीय अंचल रही जो स्थान गुड़िक से स्थान सहित पहाड़िया अंचल स्थलीय अंचल वर्षा हेले लघुचाप जनित वर्षा हेले बात्यार संभावना रही से पहाड़िया अंचल जो गुड़िक रही सेगुड़िक भूस्फलन होवार संभावना रही तेणु यह पार्थक्य करी स्थान गुड़िकर जिलापाल पूर्व निर्देश जारी कर सबू अघटन आलर्ट रहा कहला। अंपक्ष आप देखिथे गत काली सन्ध्यारु जो भाई भाव ट्विन सिटी में वर्षा होता और घड़घड़ी सहित वर्षा होता विशेष भाव पूर्व आप जानते बीएमसी कमिशनर गोटे प्रेस बृत्ति में सूचना देते जो स्थान मानक ड्रेन काम होना से स्थान गुड़ विशेष भाव फोकस एवं जो गुड़िक स्थान पानी जमा विशेष भाव जल निष्कासन हो पार नहीं से स्थान गुड़ फोकस दिजावी कहते कारण आप जानते आग को वर्षा ऋतु आसू वर्षा ऋतु में पूर्व जो भाव समस्या देखा जाए ट्विन सिटी में सेगुड़ी कोई भाव न हो से व्यापक व्यवस्था करते कि व्यवस्था करते दिन व्यवस्था कहीं देखी प्रत्येक थर वर्षा आसे ट्विन सिटी अवस्था किभली हुए विशेषकर राजधानी भुवनेश्वर ड्रेनेज समस्या किभली उपुजे और लोके किभली समस्या सम्मुखीन हूँ से दृश्य प्रत्येक वर्ष आसे ये सत्वे कहीं अव्यवस्था देखा दूसरी। निश्चित भाव माधुरी आप जो कथा कहते आप गत कालीर दृश्य देखिथे जोटा रही है चिंतामणीसर नगर अंचल तासहत सबर साई जो गुड़िक तलिया अंचल अच्छी से स्थान मानक लोक मैंने जो वर्षा होता से स्थान मानक पानी भरी जाता एमती कि लोक मैंने निजे निजे जल निष्कासन करने को चेस्टा करते कि सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा कि बीएमसी कमिशनर कही जहाँकि गोटे टोल फ्री नंबर जारी कर नंबर में जोजोग कले तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर किंतु जहाँकि लोक मैंने निजे निजर व्यवस्था करुं जल निष्कासन निजे कार्यपन्था ग्रहण करुं तेज एवटूर पारियापणिया पदा को आसूँ। अंपक्ष आप जो कथि कहले प्रत वर्ष दृश्य देखा मिलूँ आपड़ एवं देखिए अनेक स्थान में ड्रेनेज काम सरी पार नहीं और अधा पंतरिया पड़ू निहत भाव जोटी गुड़िक अधा पंतरिया पड़ू से स्थान मानक जल निष्कासन ठीक भाव हो पार नहीं जहाँफल ये ड्रेनेज समस्या रही
ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା କେତେ ବେହାଲ କରୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରହିବ। ସୁଶାନ୍ତ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ସିଧା ସିଧା ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ବିଏମ୍ସି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପୁରାପୁରି ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ଯେ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷର ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଟିକିଏ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସେଠି ଜମିଯାଏ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଏମ୍ସି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛି ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ସୁଶାନ୍ତ, ଇଏ ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଥିବ ବା ଗାଁରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସି, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ, ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।